माँ वैष्णो देवी के दरबार में आयो, क्या कुछ कहना चाहोगे? माता दी ये सब मत करो, रेलवे जाइए। भाई क्या कर रहे हैं? इन दिनों सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अलविश यादव यूट्यूबर बिग बॉस ओटीटी 2023 के विनर जब कटरा में माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आते हैं तो उनके साथ मारपीट यहाँ पे होती है, ऐसा इस वीडियो वायरल में दिखाया गया है। आपको बता दें कि NH1 के संवाददाता प्रदीप सिंह के साथ ये पूरा वाक्य हुआ है, जब उन्होंने अलविश से ये पूछा कि कटरा में आके कैसा लगा। उस समय की ये पूरी घटना है और कहीं ना कहीं काफ़ी तेजी के साथ ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि अलविश यादव की कटरा में जो है वो पिटाई हुई है। क्या सच है इसमें? हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप सिंह, NH1 के संवाददाता। पूरी सच्चाई उन्हीं से सुनिए। आखिर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे क्राउड ज़्यादा था, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, हाँ मैं बाइट लेने की कोशिश करता हूँ कि वो माता के दर्शन के लिए आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है। तो उसी के चलते वहाँ पे राघव जी उनके साथ थे, थोड़ी सी मेरे उनके साथ थोड़ी तूतू में हो जाती है, जैसे वो मुझे कल नहीं देना चाहते, हाँ वो बाइट नहीं देना चाहते थे, तो जो वो मुझे पकड़ने की कोशिश साइड करने की कोशिश करते हैं, मेरा फोन लेने की कोशिश करते हैं, मैं उनको मना करता हूँ फोन मत लो, आप बाइट नहीं देना चाहते तो आप जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है आपके साथ कोई। तो वो छोटा सा इंसिडेंट था, वो वहीं सॉर्ट आउट हो चुका था हमारा। तो उसके बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि अलविश यादव को कटरा में मार पड़ने वाली थी, जहाँ ऐसा वैसा होने वाला था, वैसा वैसा कुछ नहीं था, हाँ दोस्तों को छोड़ के भाग रहे हैं, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, उनके लिए जाना मुझे लगता है वो जरूरी था, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी भी हैं और बिग बॉस के वो विनर भी हैं, तो वो उनका वहाँ से जाना अच्छा था, वो ऐसी मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। आप देख सकते हो कि कटारिया के ब्लॉग में आया हूँ मैं, उनको लोगो मांग रहा हूँ, मेरा लोगो दे दो, तो वो थोड़ा लोगो आगे पीछे हो गया था, वो मिल गया था बाद में मुझे, उन्होंने फिर मुझे एक अपनी ऑफिशियल बाइट भी दी थी जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से साझी की थी आप सबके साथ, फोटोग्राफी हुआ था बाद में, लड़ाई के बाद ही, हाँ ये लड़ाई के बाद, जी हाँ ये लड़ाई के बाद, जैसे मैं उनके पास उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो उसके बाद ये वहाँ पे हुआ था, एक छोटा सा मैटर था, वहीं सॉर्ट आउट हो चुका था, ज्यादा बड़ा नहीं था। माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अलविश यादव का नाम खराब किया जा रहा है, उसी के साथ मेरा नाम खराब किया जा रहा है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी फेक खबरें ना दिखाएं, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर का नाम खराब किया जा रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वो छोटा सा एक इंसिडेंट था, वो वहीं सॉर्ट आउट हो चुका था, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा ऐसी खबरें ना फैलाएं।